वहीं सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा क्षेत्र की महिला विधायक की गाड़ी को एक ट्रक ने मिर्जापुर के एरोरा में टक्कर मार दी, जिसमें विधायक बाल बाल बच गई। वहीं विधायक रूबी प्रसाद का आरोप है कि यह हमला उनकी हत्या की नियत से किया गया और इस घटना के पीछे उनके राजनीतिक विरोधी और इस मामले में पुलिस को हत्या की कोशिश की तहरीर भी दे दी गई है और साथ ही जिले के आला अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित भी कर दिया गया है। वही घटना के समय गाड़ी में ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी समेत कुल 4 लोग सवार थे। कार में सवार सुरक्षाकर्मी दरोगा का कहना है कि ट्रक ने जानबूझकर कई बार विधायक की गाड़ी में टक्कर मारी, जिसे ऐसा लगता है कि विधायक पर हमला करने की साजिश जानबूझकर रची गई थी।